ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰਾਜਵਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਲੜੇਗੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਸੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰਾਜਵਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਹੋਣਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਵਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ इस दे नाल ही साडे नाल उम्मीदवार कमलदीप कौर फोन लाइन ते मौजूद ने। कमलदीप जी बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा जी मीडिया ते जी। कमलदीप जी पहला तुसी फैसला लिया कि चोणा नहीं लड़नियां लेकिन अज श्रोमणी अकाली दल दे वफद दे नाल तुहाडी मीटिंग हुई उस तो बाद राजवाणा साहब दे नाल भी तुसी मिल के आए तो उस तो बाद की सोच समझ के तुसी इह फैसला लिया कि मैनू चोणा लड़नियां चाहीदियां ने? चुनौती लगती है जिथे हाकम धिर की जेकर गल की जाए तो उन्होंने द्वारा भी कैंडीडेट चोन मैदान उतार दिता गया तो दूसरे पास सिमरजीत सिंह मान भी चोन मैदान के ने की लगता कि जी पंथक इकट्ठे होने की गलबात की गई सी वो इकट्ठा होया या नहीं होया कि लगता जी? बिल्कुल पंथक जरूर होगी सारे कट्ठे होंगे परमात्मा की मेहर नाल क्योंकि बंदी सिखा का मसला कला बार का मसला नहीं है सा मसला नहीं है सारे सिख होने का मसला गुस्से खालस पंथ का सारे धर्म वर्ग का ही मसला ग क्योंकि अपन सजाव तो कितने बच सजाव सारे बंदी सिंह पच्ची पच्ची साल तो तीह साल तो देख रहे तो मैं तो यही उम्मीद है सारे उम्मीद लगे कि श्री खालसा साहब जी के आदेश अनुसार जरा बंदी सिखा की रिहायश बारे से कमेटी बनी थी काफी लंबा संघर्ष चल रहा है तो इसमें बल मिलेगा जी। हो ठीक है कमलदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया जी मीडिया के गलबात करने के लिए। सो दस दिए कि कमलदीप कौर राजवाणा की भैन चोण मैदान के उतर चुके हैं श्रोमणी अकाली दल द्वारा उन्होंने कैंडीडेट ऐलान दिता गया संगरूर तो जिमनी चोणा हो रही ने इस मद्देनज़र हुण देखना है कि आखिर केड़ी पार्टी इस चोणा के जित हासिल करती है या फिर बंदी सिंह की जी रिहाई की गलबात की जा रही है उसते किन्ना कबूर पैंदा हुआ नज़र आ रहा है या फिर पंथक किन्ना इकट्ठा होएगा यह सब देखने वाली गल रहेगी। इस दे नाल ही होर वधेरे जानकारी लै लैने साडे नाल गुरप्रीत सिंह चंडीगढ़ तो फोन लाइन ते मौजूद ने। गुरप्रीत की लगता है कि श्रोमणी अकाली दल ने कैंडीडेट अनाउंस कर दिता है राजवाणा की भैन नूं लगता है हुण अगे पंथक जिहड़ा इकट्ठे होने की गलबात कर रहा है इकट्ठा होएगा? सारियां धिरां दा इकट्ठा होना हले संभव लगता है क्योंकि बेशक इहनूं लैके बड़ी जोर अजमाइश होई है बड़ी ए विचार चर्चा हुई है बड़ी कोशिश हुई है कि सारिया धिर मना लिया जाए सिमरनजीत सिंह मान भी इकट्ठे इको प्लेटफॉर्म से लिया की कोशिश हुई थी भी आप इस बार घटो घट बंदी सिंह किसी एक परिवार को इलेक्शन लड़वाइए पर प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब ने एक अहम फैसला लेंदे हुए अज संगरूर की जिहड़ी जिमनी चोण है पार्लीमेंट की उहदे विच बीबा कमलदीप कौर राजवाणा नूं श्रोमणी अकाली दल की टिकट के उत्ते श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी ते सारिया पंथक जथेबंदियां दा सांझा कैंडीडेट जिहड़ा उह ऐलान कीता। बड़े देर की मंग सी कि जिहड़े बंदी सिखां दे परिवार ने इन्हां दे विचों किसी नूं उम्मीदवार बनाया इस संबंध दे विच श्री खालसा साहब के जथेदार साहब ने भी संदेश दिता सी सारिया जथेबंदियों की भी मंग सी पार्टी के भी ये उत्ते लंबा विचार वटांदरा करन तो बाद भाई बलवंत सिंह राजवाणा जिहड़े कि 27 साल सो तुसी सुनिया कि श्रोमणी अकाली दल द्वारा गल की गई सी कि पंथक सारे इकट्ठे होणगे तो उसके मद्देनज़र कैंडीडेट नूं अनाउंस किया गया तो कमलदीप कौर जो कि उम्मीदवार वजों उभर चुके हुण चोण अखाड़े दे विच साडे नाल फोन लाइन ते मौजूद ने।
कमलदीप जिस हिसाब के नाल बंदी सिंघां दी रिहाई की लगातार मांग की जा रही है कि लगता है कि हुण जे पंथ एकजुट होकर इस आवाज़ नूं बुलंद करेगा तो आने वाले समय के विच इह मंगां नूं बूर पै सकदा। कमलदीप तुहाडे तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है? सो दस दिए कि राजवाण की भैन कमलदीप कौर संगरूर तो जिमनी चोणा लड़नगियां, श्रोमणी अकाली दल की सीट पर यह जिमनी चोण लड़ी जाएगी। सो हुण देखना होएगा कि आखिर समीकरण किदां दे रहिंदे ने, क्योंकि जिहड़ी बंदी सिंघां की गलबात की जा रही है लगातार कि एकजुट हो के जो है बंदी सिंघां की रिहाई करवाई जाए, तो हुण देखना होएगा कि आखिर किन्ना क पंथ एकजुट हो के इस रिहाई की मंग को बरकरार रखता है या फिर किन्ना क बूर पैंदा, क्योंकि लगातार कई अजिहे बंदी सिंह ने जिहड़े काफ़ी लंबे अरसे तो जिन्हां दीआं सजावां पूरियां हो चुकियां ने वो हजे भी सज़ा कट रहे हैं।